नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। गोरेगांव तहसील के अंतर्गत तहसीलदार ने एक जेसीबी, 5 टिप्पर, 2 ट्रैक्टर, बड़ी कार्यवाही। 5 टिप्पर नेशनल हाईवे पर पकड़े गए, जिसको लेकर बड़ी कार्यवाही का अंजाम दिया गया। गोरेगांव तहसील में पहली बार यह नजारा देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्र में काबिल कष्टकारी में तथा वन विभाग के हद में आने वाले एरिया के अंतर्गत 2 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी बरामद की गई। सूत्रों के हवाले जानकारी प्राप्त अनुसार जिले में रेती घाट बंद होने के बावजूद बड़े पैमाने पर टिप्पर भर भर के रेती कई बार क्रॉस चोरी हो रही है, उसी को लेकर गुप्त जानकारी रखते हुए बड़ी कार्यवाही को अंजाम तहसीलदार ने दिया। तहसीलदार ने बताया कि जब रॉयल्टी बंद है तो रेती का कहीं उत्खनन हो ही नहीं सकता। सदर ये टिप्पर, रेती के टिप्पर यानी ये गोंदिया साइड ने आमच्याकडे येत होते, त्यांना आम्ही गोंदियाच्या हद्दीमध्ये, सॉरी गोरेगावच्या हद्दीमध्ये ये टिप्पर, रेतीचे टिप्पर पकडलेले आणि मुरुम आणि जेसीबीचा ट्रॅक्टर आम्ही एका ठिकाणी गुप्त माहिती मिळाल्यानुसार त्या ठिकाणी आम्हाला हे ट्रॅक्टर आणि जेसीबी आढळून आले, तर त्यांना आम्ही रात्रीच घेऊन आलो। आता त्यांचा ज्या जागेवर उत्खनन झालं त्याचा सविस्तर पंचनामा तलाठी आणि सरकार यांना करायला सांगितलं आहे, तो 2 दिवसात मिळून जाईल। ते आता आज उद्या होऊन जाईल 2 दिवसात। ट्रॅक्टर आणि जेसीबी आणला आहे आणि 5 रेतीचे टिप्पर गोरेगावच्या आपल्या हद्दीमध्ये आपण पकडले। ही कारवाई पूर्ण रात्रभर चालू होती। कोणाकडेच रॉयल्टी नाही सध्या, रॉयल्टी आपल्या जिल्ह्यात कोणाला, सगळे रॉयल्टी बंद झालेली, सगळे विना रॉयल्टी चालू आहे सध्या। आता त्यांचे आम्ही रिपोर्ट बनवत आहे, रिपोर्ट बनवून तो प्रांत ऑफिसला जाईल, तिथून ते दंडाचे आदेश पारित होतील।